ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या सांप मच्छर जैसे हानिकारक जीव जंतुओं को जानवरों को मारना पाप है? चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, वो हानिकारक हैं, हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे हमारे जीवन को खतरा है, तो क्या हम उसको मारें तो क्या वो भी पाप होगा? ठीक बात। हम ध्यान से देखेंगे, आत्मा अपने आप में सब सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, चाहे वो छोटा सा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, चाहे वो जहरीला हो चाहे वो भयानक हो, चाहे वो हमारा हितकारी हो, सभी जीव जंतु पशु पक्षी उनको हमने कोई भी दुख दिया है तो वो दुख हमें जरूर उसी के द्वारा लेना पड़ेगा। दुख लेने देने का रूप अलग अलग हो सकता है, परंतु दर्द या दुख उतना ही मिलेगा, खुशी उतनी ही मिलेगी। वही पशु पक्षी जीव जंतु हमारे लिए कर्म करके कुछ इस प्रकार के कर्तव्य करके हमें खुशी दे सकते हैं, और वही कुछ इस प्रकार के काम करके हमें दुख दे सकते हैं। जिनको हमने खुशी दी है वो हमको खुशी देंगे, जिनको हमने दुख दिया है वो हमको दुख देंगे। चाहे हमने भय में आकर उनको दुख दिया, तो भय में आना मेरी गलती है, याद रखना है, मैंने भय में आकर दुख दे दिया। जब दे दिया तो ड्रामा समझकर उसको बिंदी भी लगाना है, क्योंकि मुझे क्यों आया जरूर, इसने मुझे कभी दुख दिया होगा जो आज मैंने दुख देकर चाहे उसके जीवन का अंत किया या मैंने उसे घायल करके छोड़ दिया। आज अकाउंट बराबर हुआ या अकाउंट बराबर हुआ, या वैसे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पल हम आत्माएं अपना अकाउंट बना भी रही हैं और बराबर भी कर रही हैं, क्योंकि मुझे आगे वो दुख लेना पड़ेगा। मैंने दुख देकर निश्चित कर दिया कि दुख मुझे लेना है, दिया इसलिए मैंने उसको क्योंकि उसने मुझे पहले दिया था, अब मैं उससे दूंगा। अब तो दे दिया, अब मैंने दुख दिया है तो वो दुख मैं उससे लूंगा भी सही, फिर मैं दूंगा फिर वो देगा, फिर मैं दूंगा फिर वो देगा, यही कर्मों की गति है जो अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। और हर संभव कोशिश करें कि हमारे से किसी भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। मुझे कोई यदि खाने के लिए शेर भी आया है, शेर मुझे खा तब सकता है, दुख मुझे दे तब सकता है जब मैंने उसे 5,000 साल के अंदर अंदर कभी दुख दिया हुआ है। अब से 5,000 साल पहले के अंदर मैंने उसे कभी दुख दिया है तो आज वो मुझे जरूर दुख देगा, और इसके बदले में मैं आने वाले 5,000 साल में
उसे जरूर दुख दूंगा। कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं बचा सकती, कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं बचा सकती। इसलिए मुझे नया कर्म कोई भी ऐसा नहीं बनाना जो मुझे दुख लेना पड़े। ऐसा कार्मिक अकाउंट बनाओ कि वो मुझे सुख देने के लिए, अकार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए सतयुग में आए। मैंने किसी को दुख देने का संकल्प भी नहीं करना, बोल भी नहीं करना, कर्म भी नहीं करना। तीनों ही सबको सुख देने वाले के, और कर्मों की गति को अच्छी तरह समझने के लिए इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लगभग 2000 वीडियोस आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, कर्मों की गति के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में जो सभी भाई बहनों ने पूछे हैं, उन सब प्रश्नों का ग्रुप नीचे मैंने भेजा है। और उस प्लेलिस्ट को खोलकर आप अपनी पसंद के प्रश्न को आंसर देख सकते हैं। और यदि कोई ऐसा प्रश्न हो जो उत्तर अंदर ना हो, उस वीडियोस में उसका उत्तर ना हो, तो वो मुझे 9213106986 पर लिख कर भेजेंगे, तो मैं उसको वीडियो बनाकर इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप कभी भी उसे देख सकेंगे।